उत्तर प्रदेश में हो रहे एनकाउंटर को लेकर एसटीएफ चीफ अमिताभ यश से न्यूज 18 की टीम ने खास बातचीत की। उन्होंने साफ किया कि एसटीएफ पर पहले की सरकार में भी सवाल उठते रहे हैं, लेकिन 27 सालों में कोई भी आरोप तय नहीं हो पाए। एसटीएफ में बिरादरी या जाति वाला कोई रोल नहीं है, यहां योग्यता ही आधार है। उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर और एनकाउंटर की सियासत के बीच में उत्तर प्रदेश एसटीएफ के चीफ और यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश हमारे साथ हैं। अमिताभ यश साहब से बात कर लेते हैं, जिस तरह से एनकाउंटर्स को लेकर एसटीएफ को घेरा जा रहा है उसके बारे में आप कुछ कहेंगे कि चप्पल में एनकाउंटर हो रहा है और बगैर बुलेट प्रूफ जैकेट के लोग निकल रहे हैं एनकाउंटर के लिए? जो भी पॉलिटिकल कमेंट्स हैं उस पर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन एसटीएफ जो परिस्थितियां होती हैं उसी में काम करती है। बाकी पुलिस फोर्स के साथ भी ये सही है। जो भी इनकाउंटर अथवा अपराधी को गिरफ्तारी की कोशिश की जाती है वो अपराधी के प्रोफाइल के हिसाब से पुलिस अपनी कार्रवाई करती है। कई बार सूचना संकलन के लिए पुलिस को या स्पेशल यूनिट्स को अलग अलग वेस में भी काम करना पड़ता है। जहां तक आवरण का सवाल है, ये मौके पर क्या परिस्थितियां हैं उस हिसाब से पुलिसकर्मी अपना डिसीजन लेते हैं। कई बार इतना समय भी नहीं होता कि पूरी वर्दी चढ़ाई जा सके या जो कपड़े वो चाहते हैं पहने जा सकें। कई बार तत्काल भागना पड़ता है। तो ये सब इश्यूज जो हैं ये नॉन इश्यूज हैं, इस पर अनावश्यक बहस जो है इसका कोई मतलब नहीं है। एक जिस तस्वीर से ये बहस शुरू हुई है कि मंगेश यादव का एनकाउंटर होता है और एनकाउंटर का जो प्लेस है वहां पर आपके डिप्टी एसपी साहब चप्पल में खड़े हुए, उसके चप्पल की कीमत को लेकर ट्रोल करने लगे, क्या आपकी बात हुई डिप्टी एसपी साहब से? इस न्यूज को देख करके मैंने अफसर से बात की थी, तो उन्होंने बताया कि इस घटना और फोटोग्राफ के बीच में काफी समय का डिफरेंस है। 3:30 बजे रात्रि को पुलिस का एक्शन हुआ था और ये सूर्योदय के समय की फोटोग्राफ है। मार्च 2017 में उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई तब से आज तक 209 अपराधी एनकाउंटर में मारे गए हैं। मार्च 2017 से आप एसटीएफ के भी चीफ हैं, 51 अपराधियों को एसटीएफ ने एनकाउंटर में ढेर किया है। इसके बाद भी जब एसटीएफ को स्पेशल ठाकुर फोर्स कहा जाता है तब आपको कैसा लगता है? ये इस प्रकार के आरोप अगर लगा भी दिए गए तो तथ्य जो है वो इसके विपरीत है। एसटीएफ में हर टीम में हर बिरादरी के लोग हैं और ये कभी इशू भी नहीं रहा एसटीएफ में रिक्रूटमेंट का। एसटीएफ में जब भी किसी को लिया जाता है तो पूरी तरह से उसकी क्षमताओं के बारे में उसका साइकोएनालिसिस करके उसके पूर्व में उसका अपराध के विरुद्ध कार्य करने में क्या रिकॉर्ड रहा है ये सब कुछ देख कर लिया जाता है। इसमें कभी भी किसी की भी बिरादरी का कभी रोल नहीं रहा। पिछले 27 वर्षों से एसटीएफ काम करती चली आ रही है। यहाँ बहुत सारे कर्मी ऐसे हैं जो पिछले 12-14 साल से लगातार एसटीएफ में हैं और अपनी अच्छी सेवाएं दे रहे हैं। तो बिरादरी आदि का कोई औचित्य एसटीएफ में नहीं होता। तो ये थे अमिताभ यश, यूपी एसटीएफ के चीफ, यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, जिन्होंने तमाम सवालों के बहुत बेबाकी से जवाब दिए और उन्होंने कहा है कि मेरे ऊपर या हमारी फोर्स के मनोबल पर इन सवालों का कोई असर नहीं पड़ रहा है। कैमरामैन रवि गुप्ता के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज 18 लखनऊ।